अगर आप रेंटल इनकम रिसीव कर रहे हैं, रेंटल इनकम अर्न कर रहे हैं, तो ऐसे में रेंटल इनकम को इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर कैसे डिक्लेयर करना है, कैसे रिपोर्ट करना है, वो हम अपनी इस वीडियो में देखने वाले हैं। ITR 1 फाइल कर रहे हैं, ITR 2 फाइल कर रहे हैं, ITR 3 फाइल कर रहे हैं, या फिर ITR 4 फाइल कर रहे हैं, तो कैसे हाउस प्रॉपर्टी इनकम को, रेंटल इनकम को आपको डिक्लेयर करना है, वो जो है हम इस वीडियो में कंप्लीटली जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है, आपने रेंट पर दिया है, तो उसको कैसे रिपोर्ट करना है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, आप उसको अपने रहने के लिए यूज कर रहे हैं, तो कैसे रिपोर्ट करेंगे। डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी है, आपके पास दो से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, तो ऐसे में दो हाउस प्रॉपर्टी को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड पर्पज के लिए डिक्लेयर कर सकते हैं। उससे ज्यादा जितनी भी हाउस प्रॉपर्टी होगी, अगर आपने उनको रेंट पर दिया है, तो लेट आउट के अकॉर्डिंग आपको डिक्लेयर करना है। अदरवाइज आपको डीम्ड लेट आउट प्रोविजंस के तहत जो है माना जाएगा आपने उनको रेंट पर दे रखा है, और अकॉर्डिंगली उसको कैसे रिपोर्ट करना है वो हम देखने वाले हैं। इसके साथ ही अगर आपने होम लोन लिया है, होम लोन पर इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं, तो ऐसे में कैसे उस इंटरेस्ट को जो है आप डिक्लेयर करेंगे, कैसे उसकी डिडक्शन क्लेम करेंगे, कितनी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं, वो सभी बातें हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम को डिक्लेयर करने के लिए आपको जो है इनकम शेड्यूल के अंदर शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करना होगा। उसके अलावा और जो भी शेड्यूल्स है, आप अपने इनकम के अकॉर्डिंग जो है सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने सारे शेड्यूल्स आ जाते हैं, जिनको आप एक एक करके फिल करेंगे। इसमें से शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी को जो है आप फिल करने वाले हैं, तो शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी को आप सेलेक्ट करेंगे। तो अगर आपकी कोई रेंटल इनकम है, आप कोई रेंटल इनकम अर्न करते हैं किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से, किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी से, किसी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी से, तो किसी भी तरह की रेंटल इनकम आपकी जो है शेड्यूल हाउस प्रॉपर्टी में जो है वो आपको रिपोर्ट करनी होती है। तो ध्यान रखिए, हाउस प्रॉपर्टी हेड में जो रेंटल इनकम होती है वो तभी टैक्सेबल है जब वो हाउस प्रॉपर्टी आपने ओन की हो, मींस आप उसके ओनर हो या फिर को ओनर हो, ज्वाइंटली ओनर हो। अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो आपने किसी से रेंट पर ली और उसको फर्दर किसी और को लेट आउट कर दिया, किसी और को रेंट पर दे दिया, जिसे जनरली सब लेटिंग कहा जाता है, तो सब लेटिंग की जो इनकम है वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होती, वो आपके अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होती है। तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में आप वही रेंटल इनकम रिपोर्ट करेंगे जो हाउस प्रॉपर्टी आप ओन करते हैं, जिसके आप ओनर हैं। ओनर आप ज्वाइंटली भी हो सकते हैं या फिर सोल ओनर भी हो सकते हैं, तो ऐसे में वही रेंटल इनकम यहाँ पर आपको रिपोर्ट करनी है। ITR 1 के अंदर लिमिटेशन थी, आप एक ही हाउस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम है, तो ऐसे में आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। तो ITR 2 में आपकी कितनी भी हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम हो, वो आप सभी यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं। आपको एड डिटेल्स पर क्लिक करना है। ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी के लिए आपको अलग अलग रेंटल इनकम डिक्लेयर करनी है। तो यहाँ पर एड डिटेल्स पर आप क्लिक करेंगे। एड डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद आपको प्रॉपर्टी की डिटेल देनी है। तो लेट्स से हम यहाँ पर प्रॉपर्टी की डिटेल जो है ऑफ प्रॉपर्टी आपको बताना है कि आप खुद ही ओनर है, या फिर हाउस प्रॉपर्टी केस में क्लबिंग प्रोविजंस लगते हैं, कि मींस अगर आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी अपने माइनर चाइल्ड के नाम से जो है होल्ड की है, और ऐसे में उससे कोई रेंटल इनकम है, तो आपकी इनकम में ही क्लब कर दी जाती है, या फिर और किसी रीजन की वजह से वो अगर क्लब की जा रही है, तो आप जो है वो रीजन सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर सेल्फ मीन्स हम जो खुद है, SSC जो है खुद ही ओनर है। उसके बाद अगर वो प्रॉपर्टी को ओन है, को ओन मीन्स उसको जो है एक से ज्यादा उसकी ओनरशिप है, तो मान लीजिए लेट्स से 50% का मैं ओनर हूँ और 50% के मेरे जो ब्रदर है वो ओनर है, वैसे में आपको बताना है कि आप उसका कितना शेयर जो है वो ओन करते हैं। वैसे में अगर को ओन है, तो आप यस करेंगे और अपना परसेंटेज ऑफ शेयर भी बताएंगे, और जो साथ में जो को ओनर है उनकी डिटेल भी आपको यहाँ पर देनी होगी। तो यहाँ पर हमारे केस में प्रॉपर्टी को ओन नहीं है, अगर आपके केस में है तो आपको जो है डिटेल्स फिल करनी होगी। टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड मीन्स आप उस प्रॉपर्टी को खुद ही अपने रहने के लिए यूज कर रहे हैं। तो ऐसे में जब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है, तो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट टू सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी आप जो है अपने पर्पज के लिए, रहने के पर्पज के लिए जो है वो यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास दो से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, तो ऐसे में इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग दो प्रॉपर्टी ही आप सेल्फ ऑक्यूपाइड पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, और उनकी रेंटल इनकम होगी निल, जीरो, क्योंकि आप उसको खुद अपने रहने के लिए यूज कर रहे हैं। अगर दो से ज्यादा जो हाउस प्रॉपर्टी रहेंगी, उसको गवर्नमेंट क्या मानेगी? डीम्ड लेट आउट। अगर आपने उसको रेंट पर दिया है, बहुत अच्छी बात है, जिस अमाउंट पर आपने रेंट पर दिया है, वो अमाउंट रेंटल इनकम के तौर पर क्या होगी? टैक्सेबल होगी। लेकिन दो से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है और आपने उसको रेंट पर भी नहीं दिया है, वो वेकेंट है, वो खाली है वो प्रॉपर्टी, तो गवर्नमेंट उसको मान लेती है डीम्ड लेट आउट, और जो भी वहां का मार्केट रेंटल वैल्यू होगी, जो भी वहां की फेयर रेंटल वैल्यू होगी, वो क्या होगी? टैक्सेबल होगी इन द हैंड ऑफ द SSC। भले ही कोई रेंटल इनकम आप अर्न नहीं कर रहे हैं, भले ही वो प्रॉपर्टी वेकेंट है, खाली पड़ी है, लेकिन गवर्नमेंट जो है उसको क्या मान लेगी? डीम्ड लेट आउट। तो ध्यान रखें, दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो है गवर्नमेंट आपको जो है यूज करने के लिए देती है, और उसकी जो रेंटल वैल्यू होगी वो जीरो मानी जाएगी, निल मानी जाएगी। दो से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी पर आपने जो अगर उसको रेंट पर दिया है, तो जो भी रेंटल वैल्यू होगी वो आपकी टैक्सेबल होगी। अगर आपने उसको रेंट पर नहीं दिया है, वेकेंट है, तो ऐसे में जो भी जो फेयर रेंटल वैल्यू होगी वो आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाती है। तो ध्यान रखिए, हाउस प्रॉपर्टी हेड में हमने इस कॉन्सेप्ट को और ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया है, तो ऐसे में आप हाउस प्रॉपर्टी हेड को जो है रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड को सिलेक्ट करेंगे, और अकॉर्डिंगली जो है सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में आपकी रेंटल इनकम जीरो होगी, निल होगी। और अगर आपने उस पर कोई होम लोन लिया है, उस प्रॉपर्टी पर इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं, तो अप टू 2 लाख रुपीज तक की इंटरेस्ट इनकम जो है वो आप क्लेम कर सकते हैं एज डिडक्शन। तो रेंटल इनकम तो जीरो है,
और डिडक्शन आप क्लेम करेंगे तो आपकी यहाँ पर नेगेटिव फिगर आ जाएगी। इट मीन वो आपकी जो अदर हेड में इनकम होगी, सैलरी हेड में इनकम होगी, बिजनेस हेड में इनकम होगी, कैपिटल हेड में इनकम होगी, अदर सोर्सेज हेड में इनकम होगी, जो आपकी अदर हेड्स में जो इनकम होगी उस इनकम से वो लॉस एडजस्ट किया जाएगा। तो लेट्स से मान लेते हैं आपने 1,30,480 रुपए का इंटरेस्ट पे किया ड्यूरिंग द ईयर, तो ऐसे में आप जो है 1,30,480 रुपए की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे नेगेटिव फिगर आपको देखने को मिलेगी। मान लीजिए आपने 2,30,480 रुपए का जो है इंटरेस्ट पे किया ड्यूरिंग द ईयर, तो मैक्सिमम डिडक्शन आपको यहाँ पर 2 लाख रुपीज की मिलेगी। यहाँ पर एक एरर आपको दिखाई देगी, इंटरेस्ट कैन नॉट बी मोर देन 2 लाख रुपीज। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में आपको जो इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है वो मिलती है अप टू 2 लाख रुपीज। 2 लाख रुपए से ज्यादा का जो इंटरेस्ट होगा उसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। एरियर अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर लेस 30%, मींस जो भी रेंटल इनकम होती है उसके केस में आपकी 30% की एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। इट मींस आपको पूरे साल भर में 1 लाख रुपए का रेंट रिसीव हुआ, तो इन दैट सिचुएशन ओनली 70,000 रुपीज की इनकम पर, रेंटल इनकम पर आपको टैक्स पे करना है। 30,000 रुपीज की आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाती है, एडहॉक डिडक्शन दी जाती है। तो मान लीजिए लास्ट ईयर आपको कोई रेंट किसी पर्टिकुलर मंथ के लिए रिसीव नहीं हुआ था, वो इन एरियर्स था, अनरियलाइज्ड रेंट था, तो ऐसे में उसकी अनरियलाइज्ड रेंट की आपने जो इनकम है वो डिक्लेयर नहीं की थी और वो अनरियलाइज्ड रेंट आपको इस साल में रिसीव हो गया और इस साल में आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, आप उसको अपने रहने के लिए यूज कर रहे हैं, तो ऐसे में उस अनरियलाइज्ड रेंट पर आपको क्या करना होगा, 30% लेस करते हुए, मान लेते हैं 10,000 रुपए का वो रेंटल था, तो ऐसे में 30% लेस करने के बाद 7,000 की जो फिगर है वो इस साल में क्या होगी, टैक्सेबल हो। तो ऐसा कोई एरियर है या कोई अनरियलाइज्ड रेंट है जो प्रीवियस ईयर्स से बिलोंग करता है और उस साल आपने उसको इनकम में डिक्लेयर नहीं किया था, इस साल में आपको रिसीव हुआ है, तो आप उसको क्या करेंगे, आफ्टर 30% डिडक्शन उसको जो है टैक्सेबल जो है इनकम के अंदर डिक्लेयर करेंगे। अब अगर मान लीजिए यही प्रॉपर्टी आपकी रेंटल होती, लेट आउट होती, तो आप लेट आउट सेलेक्ट करते और ऐसे में आपको क्या करना पड़ता, नेम ऑफ द टेनेंट जो है वो आपको यहाँ पर बताना होता। तो लेट से यहाँ पर जो टेनेंट है उनका नाम हम डिक्लेयर करते हैं, आधार नंबर, पेन नंबर, टेन नंबर ऑफ द टेनेंट इफ टीडीएस क्रेडिट इज क्लेम। तो अगर कोई टीडीएस आपका जो है डिडक्ट होता है तो ऐसे में आपको टेन नंबर भी मेंशन कर सकते हैं, इसको आप क्या करेंगे, सेव करेंगे। एंड आफ्टर दैट आपको करना क्या है, यहाँ पर जो भी रेंटल इनकम, जो भी आपकी रेंटल आपको रिसीव हुआ है या रिसीवेबल है, तो वो आप यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। लेट्स से 20,000 के अकॉर्डिंग 2,40,000 रुपीज का रेंट जो है वो ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुआ, और द अमाउंट ऑफ रेंट विच कैन नॉट बी रियलाइज्ड, इट इज अगेन अनरियलाइज्ड रेंट। कोई ऐसा रेंट जो आपको जो है रिसीव होना था लेकिन आपको रिसीव नहीं हुआ है, तो ऐसे में वो अनरियलाइज्ड रेंट है, तो ऐसे में उसकी डिडक्शन आप यहाँ पर लेना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। तो हमारे केस में ऐसा कोई अनरियलाइज्ड रेंट नहीं है। टैक्सेस पेड टू लोकल अथॉरिटीज, आप कुछ म्यूनसिपल टैक्सेस पे करते हैं, हाउस प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हैं, जितने भी आप पेमेंट करेंगे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर उतनी डिडक्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो मान लेते हैं पूरे साल भर के दौरान आपने जो है 24,000 रुपीज का जो है प्रॉपर्टी टैक्स पे किया, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है 24,000 रुपीज से आपकी रेंटल इनकम रिड्यूस कर दी जाती है, उसमें से आपको 30% की एक्सटेंडेड डिडक्शन मिल जाती है, जो मैंने आपको बताया था जितनी आपकी जो रेंटल इनकम होगी उसका 30% आपको डिडक्शन मिल जाती है। इट मींस अब आपकी जो टैक्सेबल वैल्यू होगी वो 70% होगी। एंड आफ्टर दैट आपको डिडक्शन मिलती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो हमने देखा था सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में 2 लाख रुपीज तक की डिडक्शन है, लेकिन लेट आउट प्रॉपर्टी में जो है इंटरेस्ट की डिडक्शन जो है वो जितना इंटरेस्ट आप पे करेंगे, जितना इंटरेस्ट आप पे करेंगे उतनी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन हाउस प्रॉपर्टी हेड में एक कंडीशन रखी गई है कि हाउस प्रॉपर्टी हेड में जो लॉस हो सकता है वो 2 लाख रुपीज से ज्यादा नहीं हो सकता। जितना भी इंटरेस्ट आपने पे किया है लेट आउट प्रॉपर्टी केस में वो सभी इंटरेस्ट की डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। तो लेट्स से हमारी जो डिडक्शन है वो है 170,450 रुपीज, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा जो लॉस आ जाता है 19,250 रुपीज। अब इसी एग्जाम्पल में अगर हम देखें, हमारा अगर रेंटल इनकम लेट से मान लेते हैं 5,40,000 रुपीज है और हमारी जो हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेस पेमेंट है वो 24,000 है और 30% की डिडक्शन यहाँ पर 154,800 रुपीज हो जाती है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेट से हमारा है 4 लाख रुपीज, तो आप यहाँ पर देखेंगे हमारी जो हाउस प्रॉपर्टी हेड में इंटरेस्ट की डिडक्शन लेने के बाद हमारा जो लॉस आ जाता है वो है 38,800 रुपीज। तो ये आपको ध्यान रखना है लेट आउट प्रॉपर्टी केस में जितना इंटरेस्ट आप पे करेंगे उसकी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल हाउस प्रॉपर्टी हेड में जो आपका लॉस है वो 2 लाख रुपीज से ज्यादा नहीं हो सकता। इसी एग्जाम्पल में मान लेते हैं अगर हमारा जो इंटरेस्ट है वो 6 लाख रुपीज होता तो यहाँ पर 238,800 रुपीज का जो है वो आपको जो है लॉस दिखाई दे रहा है, लेकिन आप जो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं वो सिर्फ 2 लाख रुपीज तक का ही लॉस जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपका एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन लोन आपने पे किया है वो इंटरेस्ट यहाँ पर आप डिक्लेयर करेंगे। अगर कोई अनरियलाइज्ड रेंट आपने रिसीव किया है ड्यूरिंग द ईयर, तो अगेन आपको 30% लेस करते हुए वो अनरियलाइज्ड रेंट यहाँ पर क्या करना है, डिक्लेयर करना है। तो इस तरह आप क्या करेंगे जो है बेसिकली लेट आउट प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो है डिटेल्स फिल करेंगे। एक से ज्यादा लेट आउट प्रॉपर्टी है तो ऐसे में आपको ईच प्रॉपर्टी के लिए अलग से जो है इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। अगर डीम्ड लेट आउट है, डीम्ड लेट आउट मैंने आपको बताया वो प्रॉपर्टी जब आपके पास 2 से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी होती है और उसमें से कोई भी 2 हाउस प्रॉपर्टी आप सेल्फ ऑक्यूपाइड पर्पस के लिए डिक्लेयर करते हैं और ओवर एंड अबाउट 2 हाउस प्रॉपर्टी जितनी भी हाउस प्रॉपर्टी है अगर आपने उनको रेंट पर नहीं दिया है तो डीम्ड लेट आउट मानी जाती है। तो ऐसे में जो भी लेटेबल वैल्यू होगी वो लेटेबल वैल्यू जो है आपके हैंड में जो है टैक्सेबल होगी, जिसको आप जो है नॉमिनल रेंट, सॉरी जिसको आप जो है बेसिकली वो रेंट कह सकते हैं जो आपको रिसीव तो नहीं हुआ है लेकिन उस पर जो है आपको टैक्स पे करना होगा। तो ऐसे में ये एक्चुअल इनकम नहीं होती है और इस पर जो है सिर्फ आपको जो है
डीम्ड लेट आउट मानते हुए टैक्स पे करना होता है। हालांकि यह कॉन्सेप्ट अगर मैं बात करूं जो है प्रैक्टिकली आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी जो है प्रैक्टिकली जो है जिसके पास दो से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी होती है कोई डीम्ड लेट आउट जो है इनकम डिक्लेयर नहीं करता है। हालांकि एज पर इनकम टैक्स जो है डीम्ड लेट आउट का प्रोविजन है, अगर आपके पास दो से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, लेट से आपके पास थ्री हाउस प्रॉपर्टी है, तीन आपके पास फ्लैट्स है, आपने दो फ्लैट्स को सेल्फ ऑक्यूपाइड पर्पज के लिए यूज किया है, एक फ्लैट को आपने वैकेंट छोड़ रखा है, खाली छोड़ रखा है, तो ऐसे में उस एक फ्लैट की जो है लेटेबल वैल्यू जो है वो आपकी क्या होगी, टैक्सेबल होगी। ऐसे में इन एनी सिचुएशन जहां पर आपके पास दो से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है और आपको डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी के तहत उसको जो है इनकम को डिक्लेयर करना है, तो आप जो है इस तरह उसके अंदर जो भी आपकी लेटेबल वैल्यू है वो आप डिक्लेयर करेंगे। अगेन उस पर 30% की डिडक्शन आपको मिलेगी। उस हाउस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अगर आपने कोई इंटरेस्ट लिया है, इंटरेस्ट ऑन होम लोन पे किया है, उसकी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं, कोई म्यूनसिपल टैक्सेस पे किया है उसकी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। तो बेसिकली जैसे आपका लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए जो ट्रीटमेंट है, सेम वे में डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए आपको जो है सेम वे में आपको जो है डिक्लेयर करना है जो भी लेटेबल वैल्यू है। तो इस तरह आप क्या करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी हेड को क्या करेंगे, फिल करेंगे। एक बात का ध्यान रखना है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में मैक्सिमम इंटरेस्ट की डिडक्शन जो है वो आपको कितनी मिलती है, 2 लाख रुपीज की। लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में जितना भी इंटरेस्ट आपने पे किया है वो आप क्या करेंगे, वो आप क्लेम कर सकते हैं। बट एक बात का ध्यान रखना है, उस इंटरेस्ट की वजह से अगर आपकी जो टोटल नेगेटिव वैल्यू है वो 2 लाख रुपए से ज्यादा अगर होती है, तो ऐसे में आप मैक्सिमम जो लॉस सेटअप कर पाएंगे वो 2 लाख रुपीज तक ही कर पाएंगे। उसके ओवर एंड अबव जितना लॉस होगा वो आपका आगे के ईयर्स के लिए जो है कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, जिसको आप 8 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और जहां पर भी आपके पास अगेन उसको एडजस्ट करने के लिए जो है अमाउंट होगी तो आप उसको एडजस्ट कर पाएंगे। तो आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी, और ऐसी ही ढेर सारी वीडियोस के लिए देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।